भगवान शिव को क्यों पसंद है भांग और धतूरा। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें निकलती हैं जिन्हें देवता और दानव दोनों आपस में बांट लेते हैं, लेकिन जब समुद्र मंथन के बाद हलाहल विष निकला तो उस विष को किसी ने नहीं पिया। विष के प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड पर बुरा असर पड़ने लगा। तब सभी देवता और दानव भगवान शिव के पास गए। तब भगवान भोले भंडारी ने विष के दुष्प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस तरह संसार को विष के प्रभाव से बचाया जा सका, लेकिन भगवान शिव द्वारा विष को अपने कंठ में धारण करने के कारण वे अचेत अवस्था में पहुंच गए थे। तब सभी देवताओं ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव के सिर पर भांग और धतूरा रखा था। भांग और धतूरे के प्रभाव से विष का प्रभाव कम हो गया था। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। वे योगी और सन्यासी हैं। कैलाश पर्वत पर रहने के दौरान वे अधिकतर समय ध्यान में लीन रहते हैं। कैलाश पर्वत का वातावरण काफी ठंडा है, ऐसे में भगवान शिव के शरीर को गर्म करने के लिए भांग और धतूरे का प्रयोग किया जाता है। आज भी हिमालय में योग साधना में लीन रहने वाले सन्यासी इन चीज़ों का सेवन करते हैं। पुराणों के अनुसार तभी से भगवान शिव को धतूरा, भांग और जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भांग और धतूरा शिव की बेचैनी दूर करते हैं, इसीलिए ये दोनों शिव को बहुत प्रिय हैं। शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। आयुर्वेद में धतूरे का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसमें पुराने बुखार, जोड़ों के दर्द और विष के असर को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। ज्योतिष में धतूरे को राहु का कारक माना जाता है, इसलिए भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से काल सर्प, पितृ दोष जैसे राहु संबंधी दोष दूर होते हैं।